हेलो सिक्स क्लास टुडे इन सोशल साइंस वी विल स्टडी ज्योग्राफी ओके एंड वी विल कंटिन्यू लेसन नंबर वन द सोलार सिस्टम एंड द अर्थ ओके सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लैनेट्स ओके प्लैनेट्स के कुछ कैरेक्टर्स देखेंगे फर्स्ट वन इज शेप ऑल द प्लैनेट्स आर स्पेरिकल इन शेप सारे प्लेनेट क्या है स्पेरिकल शेप के हैं देन डिस्टेंस ऑल द प्लनेट्स आर मच क्लोजर टू द अर्थ दैन दन एस सच देव मैनी कॉमन फीचर्स सारे प्लेनेट्स अर्थ से ज्यादा क्योंकि उनके बहुत से कॉमन फीचर्स है ओके देन मोशंस प्लेनेट्स हैव टू काइंड ऑफ मोशंस रोटेशन एंड रिवोल्यूशन इट स्पीन्स ऑन एन इमेजनरी लाइन ऑफ एक्सेस विच पासेज थ्रू इट सेंटर दिस मोशन इज नॉन एज रोटेशन All planets rotate on their axis in an anti clockwise direction or from west to east. Venus rotates in a retrograde direction, that is, from east to west. If observed from Venus, the sun would rise in the west and set in the east. One complete orbit of a planet around the sun is known as revolution. The nearer a planet is to the sun, the shorter is takes to complete one revolution along its fixed orbit. Mercury, the closest planet to the Earth, takes 88 Earth days to complete one revolution. Neptune, the farthest planet, takes about 165 Earth years to revolve around the sun. One Earth year is equal to the time of the Earth takes to complete one revolution. That is equal to 365 टू पावर वन बाय फोर डेज और थ्री सिक्सटी फाइव डेज एंड सिक्स आवर्स प्लैनेट्स के दो काइंड ऑफ मोशन होते हैं रोटेशन और रिवॉल्यूशन मोशन ओके वो एक इमेजनरी लाइन के एक्सिस पे स्पिन होता है जो सेंटर से पास होती है इस मोशन को रोटेशन कहते हैं ये सारे प्लैनेट एक्सिस पे रोटेट करते हैं ओके एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या वेस्ट टू ईस्ट विनस रोटेट होता है रेट्रोग्रेड डायरेक्शन में मतलब ईस्ट टू वेस्ट अगर हम विनस से देखेंगे तो सन वेस्ट में राइज होगा और ईस्ट में सेट होगा ओके okay? प्लेनेट का एक कंप्लीट ऑर्बिट सन के अराउंड होता है तो उसे रिवॉल्यूशन कहते हैं सन प्लेनेट से जितना ज्यादा पास होता होगा उतना कम टाइम लगेगा एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए ओके okay? मर्क्यूरी जो क्या है सन के सबसे क्लोज क्लोजेस्ट प्लेनेट है है ना वो 88 एट अर्थ लेता है एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए एंड नेपट नेप्टून क्या है जो सबसे दूर है प्लेनेट के वो 165 सिक्सटी फाइव अर्थ ईयर्स लेता है सन के अराउंड रिवॉल्व करने के लिए ओके okay. एक अर्थ ईयर जितना टाइम अर्थ लेता है एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए उसके इक्वल होता है मीन्स इक्वल टू थ्री सिक्सटी फाइव टू दावर वन बाय फोर डेज या थ्री सिक्सटी फाइव डे एंड सिक्स ओके देन अलेप्टल ऑर्बिट ऑल प्लेनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन फिक्स्ड कॉल्ड ऑर्बिट्स एंड इन द सेम डायरेक्शन एक्सेप्ट विनर्स सारे प्लेनेट सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं एक फिक्स्ड एलेप्टिकल पाथ में जिसे ऑर्बिट कहते हैं और सेम डायरेक्शन में भी रिवॉल्व करते हैं किसी छोड़कर विनस को छोड़कर देन सैटेलाइट्स द प्लैनेट्स अदर देन मरकरी एंड विनस हैव सैटेलाइट्स आल्सो कॉल्ड मून्स दी सैटेलाइट्स रिवॉल्व अराउंड देयर रेस्पेक्टिव प्लैनेट्स मरकरी और विनस को छोड़कर जो प्लैनेट्स हैं उनके पास सैटेलाइट है इसीलिए उन्हें मूनस भी कहते हैं वो सैटेलाइट उनके रेस्पेक्टिव प्लैनेट के अराउंड रिवॉल्व करते हैं देन The four inner planets closer to the Sun are called the terrestrial planets. They have a rocky surface. They are separated by the asteroid belt from the outer planets, which are far away from the Sun. Venus is considered as the Earth's twin because it is similar to the Earth in size and shape. The outer planets are called gaseous planets or Jovian planets after their gaseous makeup. All Jovian planets have rings. जो फोर इनर प्लानट्स सन के क्लोज हैं उन्हें टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स कहते हैं उनका सरफेस क्या है रॉकी होता है ये आउटर प्लैनेट्स, जो सन से दूर है उन प्लैनेट को इन प्लानिट से एस्टोराइड बेल्ट से सेपरेट किया गया है वीनस को अर्थ का ट्विन भी कहते हैं क्योंकि उसका साइज और शेप अर्थ से सिमिलर है जो आउटर प्लानट्स है उन्हें गैशियस प्लानट्स या जोवियन प्लानिट बोलते हैं सारे जोवियन प्लैनेट्स के पास क्या है रिंग्स होते हैं ओके